नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जीवंत दरबारों के कार्यक्रमों से संबंधित जब हमारे वीडियो चलते हैं, लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर में विश्वास होता है और शायद वो इसी वजह से हमारे पास फोन भी करते हैं कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किस दरबार के पास जाना चाहिए। लेकिन हम चूंकि अक्सर ये नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि किसकी समस्या, कहाँ जाए, क्या जवाब मिले, कितना समाधान हो, फिर कहीं ना कहीं शिकायत हमसे ना हो जाए, इसलिए। लेकिन आज एक गुजरात से एक महिला का फोन है इस वक्त हमारे पास, वो फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर है। आज का वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं, तमाम साधक सुने ईमानदारी से, अगर सेवा की भावना से इस महिला का काम कर सकते हैं, कम से कम मूल्य में, कम से कम जो आपका खर्च लगता है उसमें, तो फिर मेरे YouTube कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से किसी एक से इस महिला का काम हो जाए और आपको पैसा उतना न मिले लेकिन पुण्य जरूर मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़ रही है गुजरात मोरवी से सीता नाम की महिला, हमारे साथ जुड़ रही है। सीता जी। हाँ सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। हाँ सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? पुराना है सर। क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, आपको है या आपके परिवार में किसी को है? मेरी पति को। आपके पति को क्या प्रॉब्लम है? वो 22 साल पुराना है किन्नर ना, किन्नर की आत्मा जो होती है उनने प्रवेश की है। 22 साल पुरानी किन्नर की आत्मा ने आपके पति पर के शरीर पर कब्जा किया है, क्या बोलती है वो? क्या किए थे सर, वचन दे दिए थे उसको, चल मेरे साथ में, बोले मैं तेरे को अपने घर में रखूंगा, किन्नर को। हाँ। अच्छा, तो अगर उन्होंने उसको, आपके पति ने वचन दे दिया। हाँ वचन दिए हैं। तो वचन दे दिया तो ठीक है, वचन का पालन तो करना चाहिए, लेकिन वो आत्मा क्या परेशान करती है आपके पति को? परेशान नहीं करती है सर, एक ही बात बोलती है वो, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, वो परेशान नहीं करती, लाभ करती है कोई? नहीं करती है, और शरीर नहीं आती, और 24 घंटे शरीर में नहीं रहती उनके, कभी कभी ऐसी बात, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो नहीं नहीं वो क्या चाहती है, सिर्फ यही बात कहती है कि मैं उनको साथ लेके जाऊंगी बस। हाँ हाँ सर, यही बात करती है। तो आपने कभी उनसे निवेदन नहीं किया कि देखो हमारा परिवार है, हम सब साथ रहते हैं, तुम ये जिद क्यों करते हो, ये कहीं आकर आपने निवेदन किया? निवेदन किया, माँ करके बोली भी हो कि मेरे पति को मत, मेरा स्वभाव को मत लेके जाना। मैंने बहुत प्रयास किया उसके लिए, फिर तो कुछ बोलती नहीं है, मैं वो एक ही शब्द बोलती कि मैं ले जाऊंगी साथ। 25 साल का वही वादा किया है ना, 25 साल का। अच्छा, 25 साल की आपने पहले से वादा कर रखा है क्या उसे? उनने बोली है मैं 25 साल का के इसको ये करूँ ना। हाँ, 25 साल होंगे ना तो उठा लूंगी बोले। 25 साल होंगी तो उठा लूंगी। हाँ। ये बात बोली है, आप लोगों ने निवेदन किया है, उसका कोई जवाब नहीं है? नहीं, उसका जवाब नहीं दे रही है वो। उसका जवाब नहीं दे रही, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं अपने किन्नर समाज से भी अनुरोध करूंगा, किन्नर समाज के भी बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, जुड़े हुए हैं, हम किन्नर समाज से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इस तरह का कोई दुआ करें, इस तरह का निवेदन करें। आपके समाज की एक आत्मा है और उनको, उन्होंने ये वचन देकर के उनको ले आए हैं, लेकिन वो उन्हें परेशान तो नहीं करती, पर यह कहती है कि 25 साल होने के बाद मैं साथ ले जाऊंगी। तो किन्नर समाज के लोग जो हमारे किन्नर समाज के हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आप भी इस वीडियो को सुने और इस महिला से कि अगर कोई तकलीफ आप दूर कर सकते हैं, उस आत्मा को अगर आप प्रसन्न कर सकते हैं, मना सकते हैं, तो आप उसे मनाए, ताकि यह महिला जो कह रही है कि मेरे सुहाग की बात है, और सच बात है कि सुहाग भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब लोग भी हैं, कौन चाहता है कि उसके परिवार का आत्मीय जन 22 साल हो गए, 3 साल बाद चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटम है। और इसलिए मेरी सभी से दरखास्त है, दरबार के लोगों से भी दरखास्त है, यह आत्मा परेशान नहीं करती, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। परेशान नहीं करती, भला भी करती है? नहीं परेशान नहीं करती, वो आबू का है। कहाँ का है? राजस्थान।
राजस्थान का है आबू, आबू आबू का, आबू राजस्थान से किन्नर की आत्मा है, आबू से है, माउंट आबू से है और परेशान नहीं करती है, भला करती है क्या कुछ है? कहीं पैसे की आमदनी करवाती है, बताती है कि ये काम कर लो? नहीं वैसे तो कुछ पता नहीं चला है सर, अभी कुछ बताया नहीं है ऐसी, वो इतना ही बोलती है कि मैं उसको साथ लेके जाऊंगी और कुछ नहीं बोलती। अच्छा आपके पति पूजा पाठ करते हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रोशनी, रोशनी, हाँ उनकी रोशनी ले ली है उनने, आंख की रोशनी ले ली है। हाँ आंख की, पहले आंख बाद में शरीर लूंगी आधा। ओ इन्होंने ये अल्टीमेटम कब ली आंख की रोशनी? ये तो अभी 22 साल पहले की बात है सब। ये वो नहीं नहीं, ये आत्मा, इस आत्मा 22 साल पहले आई, लेकिन आंख की रोशनी कब ली इसने? कितने साल पहले? 22 साल होने से आ गए। मतलब साल होने से आ गए सर, मतलब आते ही इन्होंने आंख की रोशनी ले ली? हाँ सर। तो फिर भला कहाँ किया फिर? तो आंख की रोशनी लूंगी थी शरीर की, ये पूरा ये लूंगी बोले शरीर को। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, फिर भला कहाँ किया? आप बोल रहे हैं भला, बुरा नहीं किया तो बुरा ही तो किया, फिर भला कहाँ किया? उन्होंने आंख की रोशनी ले ली। हाँ सर वो तो बात है ना, ये तो मेरे को नहीं पता था सर, ये ने भी बताया तभी पता था मुझे। थोड़ा बहुत पूछा है ना हमारे घर में, पूछा है कि इनने मतलब इस आत्मा को आपके पति ने वचन दिया था, आत्मा जब आई आते ही उसने आंख की रोशनी ले ली या 10 साल 15 साल बाद ले ली? हाँ आते ही ले ली। पर ये ना मेरे लिए, मेरा सुभाग मुझे चाहिए। आपकी बात वाजिब है और आपका वीडियो जा रहा है, हम किन्नर समाज के जो लोग हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, उनकी भी अगर कोई प्रक्रिया हो वो भी इस बात को जाने। सर तो मैं प्रयोग कर सकती हूँ उनके लिए, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, अपने तो मैं खुद की जान दे सकती हूँ उनके लिए मैं, पर इतनी निवेदन है सर मेरा, ये प्रयास पूरी कर दो सर। भगवान करता है, देखिए मैंने तो आपकी बात सुनी, आपने मुझे फोन किया और मैं इसको बिल्कुल वीडियो बना करके आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वैसे हम अनुभव पहुंचाते हैं, ऐसे किसी की बात को हम सामान्य रूप से नहीं देते, लेकिन आपकी इस बात को सुनने के बाद और जैसे ही ये बात खुली, अब हम किन्नर समाज के लोगों तक भी ये वीडियो भेजेंगे, उनसे भी दरखास्त करेंगे कि इस वीडियो को पूरा सुनिए। आप भी अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए और निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से बहुत सारी बातें सुलझ जाती है, भगवान भी जब मान जाते हैं तो फिर आत्माएं भी कुछ कहीं ना कहीं माफ कर देती होगी। हाँ सब तो मैं पूजा पाठ तो उनके लिए बहुत। अच्छा मुझे मुझे एक बात बताइए, आपके पति क्या पूजा पाठ करते हैं? नहीं सर वो तो अभी मंदिर में लेके गई थी ना, मंदिर में भी नहीं जाते अंदर सर। इसका मतलब ओके, अरे आप करती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता? नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी पूजा करने को बैठती हूँ ना तो मेरा शरीर मेरा ये हो जाता है, वो पूजा ही नहीं करने देती मुझे ये। तो प्रॉब्लम का नहीं है फिर, तो प्रॉब्लम है ना, वो पूजा नहीं करने देती, आप ये बोलिए पूजा नहीं करने देती। तो ठीक है सीता जी, आप अच्छा मैं सीता जी आपका नंबर अगर दे दूं तो आपको आपत्ति है कि दे दूं? नहीं सर मेरे को आपत्ति नहीं, मैं अपने पति के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, कहाँ नहीं कहाँ बोलूंगी तो वहाँ भी जा सकती हूँ अपने पति के लिए सर। नहीं आपको आपके नंबर में दे रहा हूँ ताकि किन्नर समाज के लोग भी अगर आपसे बात करें बात कर लें, और दरबार के लोग भी आपसे बात करें तो बात कर लें। लेकिन सीता जी मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि मेरी गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात करने वाला कौन है, क्या है, किस नीति से कर रहा है, क्या उसकी सोच है, वो मुझे पता नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा। आपको होशियार रहना है क्योंकि दुनिया में, इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं और जालसाज लोग भी हैं, इसलिए सावधान आपको रहना है। वो ध्यान रखिएगा, हम आपका वीडियो आज दे देंगे और किन्नर समाज से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, क्योंकि किन्नर देखी थी गुरु सर जी कि मेरे जो है माँ लोगों, किन्नर माँ लोगों जो होती है ना वो तो अच्छा करती है ना, दुआ की दुआ देती है, किन्नरों का काम दुआ देना है। और ठीक है यही बात है, और अब बात ये है कि क्या प्रारब्ध का ऐसा चक्र है, क्या उनका वचन है, क्या उनके साथ
उनकी बात रही है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हमने सबसे दुआ की है, हमने सबसे निवेदन किया है और दरबार के लोगों से भी मैं कहता हूँ कि इस बहन से अगर आप संपर्क कर सकते हैं, पैसा न देखिएगा, पुण्य देखिएगा। अगर इनका काम होगा तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति आपका ऋण रखना नहीं चाहेगा, धीरे धीरे ही सही वो आपका पैसा चुकाएगा जितना संभव हो सकता है। और हर जगह पैसा नहीं देखा जाता, पुण्य भी कमाए कमाने की जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो हमारी परिस्थिति है जी, एक तो सर हमारी गरीबी की परिस्थिति है, उनको आँख से दिखता नहीं है कुछ। जी जी जी, तो भी काम पे जाते हैं सर वो। तो मुझे एक बात बताइए, इनको एक आंख की प्रॉब्लम है कि दोनों आंखों में प्रॉब्लम है? दोनों आंख की प्रॉब्लम है सर उनको। इसका मतलब नजर कमजोर कर दी है, थोड़ा बहुत तो दिखता है। हाँ सर। चलिए, आपकी बात सीता जी गुजरात से, गुजरात से कहाँ से हैं आप? मोरबी सर। कहाँ, ये आसपास में कौन सा इलाका है? गुजरात मोरबी ही है सर। मोरबी राजकोट के पास, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए, अब आपने बात स्पष्ट की, तो आपकी बात लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं इस विश्वास के साथ कि लोग पुण्य कमाने के लिए जो अपनी शक्तियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इस महिला का मार्गदर्शन करेंगे, निवेदन करेंगे उस आत्मा से कि इनको कष्ट न दे और मुक्ति की तरफ प्रस्थान करें। दरबार के लोगों से निवेदन है, किन्नर समाज के लोगों से भी निवेदन है कि वे इस प्रक्रिया को जानते हैं, उनके समाज की बात है, उनकी बात को निश्चित रूप से वो समाज की है आत्मा, तो संभवतः अधिक गौर करेगी। हमारा काम सबसे निवेदन करना है, ईश्वर माँ भगवती आपके काम को चरितार्थ करे और सही रूप से काम हो, ये हम निवेदन करते हैं, ये हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो व्यूअर्स, एक अलग सा वीडियो है, किन्नर की आत्मा है, महिला परेशान है क्योंकि 25 साल का अल्टीमेटम है, 22 साल हो चुके हैं, सिर्फ 3 साल का वक्त है और किसी भी महिला किसी भी परिवार के लिए एक एक दिन जब जाता है तो ऐसा लगता है कि उसका प्रिय कि जिंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, बात गंभीर है लेकिन नामुमकिन है। यह मैं नहीं कहता कि इस दुनिया में प्रार्थना से, पूजा से, आराधना से बहुत सारी चीजें संभव होती है और जो जो ये सोचते हैं, ये कहते हैं, वो वापस वरदान भी दे देते हैं, जीवन दान भी दे देते हैं, जीवन लेने वाले भी जीवन दे देते हैं, ये भी होता है। हम यही आशा यही अपेक्षा करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। सीता जी, मैं आपका फोन नंबर दे रहा हूँ आपकी इजाजत के साथ। जी जी सीता जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। माँ भगवती भला करेगी, ये मंगल कामना करते हैं, रास्ता दिखाएगी, ये मंगल कामना। जी 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 सीता जी।